नमस्कार, मैं हूं सुमित सारस्वत और पौराणिक धारा में आप सभी का स्वागत है। मंत्रों में बेहद शक्ति होती है। मंत्र जाप से ही रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। कहते हैं रावण भगवान शिव के परम भक्त होने के साथ ही महान तांत्रिक और ज्योतिषी भी थे। रावण की तंत्र विद्या और ज्योतिषी का सार रावण संहिता में मिलता है, जहाँ रावण ने कई ज्योतिषी रहस्य खोले हैं और ऐसे उपाय और सिद्धि भी बताई हैं जिनसे आपकी किस्मत के ताले खुल सकते हैं। प्रातःकाल स्नान करके बरगद के पेड़ के नीचे आसन बिछाकर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्वा ध्वा स्वाहा मंत्र का 1100 बार जप करें। जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करें। कहते हैं कि 21 दिनों तक ऐसा करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है और धन प्राप्ति के रास्ते खुल जाते हैं। आपकी आय में असंतुलन बना रहता है या आय में बार बार बाधा आती रहती है तो संध्या के वक्त नियमित रूप से 40 दिनों तक ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम धनम देहि फट स्वाहा मंत्र का जप करें। यदि आपकी आमदनी तेजी से नहीं बढ़ रही है तो आपको कुबेर का मंत्र ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वाणाय धन धन्यादि पते धन धान्य समृद्धि मैं देहि दापे स्वाहा मंत्र का जप करें। जप करते वक्त अपने पास एक कौड़ी रखें। 3 महीनों तक इस मंत्र का जाप करने के बाद कौड़ी को उसी स्थान पर रख दें जहां आप ऐसे रखते हैं। और धन की प्राप्ति के लिए रावण के और मंत्र जैसे ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा जाप भी कर सकते हैं। इस मंत्र की सिद्धि से आपका धन खो गया हो या आपकी जमा पूंजी लगातार कम होती जा रही है तो इसके जप से धन का ठहराव होता है और खोया हुआ धन पाने के संयोग बनते हैं। मंत्र की जप की संख्या 10,000 है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।